आइए शुरुआत करते हैं दमोह से, जहां पूरे मध्य प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि उपचुनाव हुआ था और आज अब मतगणना शुरू हो गई है। पॉलिटेक्निक परिसर में ये मतगणना हो रही है, तो अब देखना होगा कि दमोह की जनता ने किस पार्टी पर, किस प्रत्याशी पर भरोसा जताया है। परिणाम आने के बाद जुलूस निकालने पर हालांकि प्रतिबंध रहेगा, कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। तो आपको बता दें, बीजेपी से राहुल सिंह लोधी प्रत्याशी है, कांग्रेस से अजय टंडन प्रत्याशी है, कड़ा मुकाबला है दोनों के बीच। तो मतगणना शुरू हो गई है और बस अब इंतजार है तो नतीजों का। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो रहा है, तमाम नियमों के साथ मतगणना हो रही है, वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पॉलिटेक्निक परिसर में मतों की गिनती की जा रही है। हालांकि आपको बता दें, कोरोना के कठिन काल के बीच ये चुनाव हुआ था, इसके चलते जुलूस पर प्रतिबंध लगा के रखा है और चुनौती भी थी ये चुनाव कराना इस मुश्किल दौर में, लेकिन चुनाव भी सरलता से हो गए और उसके बाद अब आज मतगणना होनी है जो कि शुरू हो गई है। तो परिणाम आने के बाद जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। बता दें, बीजेपी से प्रत्याशी हैं राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस से अजय टंडन। नवंबर में राहुल सिंह लोधी ने जब कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, तब दमोह की विधानसभा सीट खाली हुई थी, जिसके बाद वे बीजेपी में शामिल हुए थे और अब बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया, उनको प्रत्याशी बनाया है दमोह विधानसभा सीट से। और कांग्रेस जिला अध्यक्ष थे अजय टंडन, जो कांग्रेस से प्रत्याशी रहे और दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। बता दें, चुनाव प्रचार के दौरान अजय टंडन कोरोना पॉजिटिव भी हुए थे, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किन मुश्किल घड़ी और किन चुनौतियों के बीच ये चुनाव हुए थे। और आज मतगणना हो रही है, इंतजार है प्रदेश की जनता को कि दमोह में अब कौन जनप्रतिनिधि चुना जाएगा। इसी के साथ दमोह की जनता की भी निगाहें आज की मतगणना में टिकी हुई है। और सबसे अहम बात यह है कि दमोह में हमेशा से जो वोटिंग प्रतिशत है, मतदान प्रतिशत, वो काफी ज्यादा बेहतर देखा जाता है। तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आज दमोह में मतगणना हो रही है, पॉलिटेक्निक परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, गाइडलाइंस का पालन किया गया है। तो अब बस मतगणना शुरू हो गई है, इंतजार करना होगा परिणामों के लिए। तो बीजेपी से राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस के अजय टंडन प्रत्याशी हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी जो चुनाव एजेंट हैं उनका रैपिड टेस्ट कराया गया था बीते दिन।